एपिसोड 6 जादू जादू जादू। वही दूसरी और दिव्या गुस्से से तिल मिला उठी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्लान इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, और उसका अंकल उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा था। और उसने उसे कहा था कि जब से उसने उस लड़की को देखा है, अब मैं उसे पाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों का टाइम देता हूँ। 3 दिनों के अंदर अंदर वो लड़की मुझे मेरे बेड पर चाहिए। और याद रखना दिव्या, अगर तुम 3 दिनों के अंदर अंदर उस लड़की को मेरे बेड तक नहीं लेकर आ पाई, तो उसकी जगह तुम्हें मेरे बेड पर आना होगा। जैसे ही उस आदमी ने बड़े ही बेशर्मी से दिव्या से ये कहा, दिव्या उसे घूर कर रह गई थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी रात उसे आदमी के साथ तो नहीं बिताना चाहती थी, क्योंकि वो आदमी दिखने में बड़ा ही भद्दा और अधिक उम्र का बदसूरत आदमी था। तभी दिव्या ने गुस्से से वीर की ओर देखा था, वीर जो कि एक जगह अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। वीर के सर से हल्का हल्का खून आ रहा था। वेल तभी दिव्या वीर के पास गई थी और कहने लगी थी, चलो मेरे साथ, ऐसा कहकर दिव्या वीर को उस बार में बने एक कमरे में ले गई थी। उस कमरे में जाकर दिव्या ने वीर को बेड पर धकेल दिया था, खुद उसके ऊपर आ गई थी और कहने लगी थी, उस अवनी की वजह से मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और इस वक्त केवल तुम ही हो जो मेरा मूड ठीक कर सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाए। और याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वीर जो कि उस वक्त अपने सर को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, अब दिव्या के बात सुनकर हैरान हो गया था। लेकिन वीर के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसीलिए अचानक वीर ने अपने सर पर निकले खून की परवाह न करते हुए दिव्या को पकड़कर बुरी तरह से चूमना शुरू कर दिया था। वो दिव्या को सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि दिव्या की जगह वो अवनी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि दिव्या नहीं बल्कि अवनी इस वक्त उसके बेहद करीब है, इसीलिए वीर दीवानों की तरह दिव्या को चूमने लगा था। और कहीं ना कहीं वीर के आज इस तरह से बताओ करने में अवनी के लिए दिव्या को अग्रेशन साफ नजर आ रहा था, और इसी बात का वो फायदा उठा लेना चाहती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी वीर इस वक्त गुस्से में है, और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो दिव्या को काफी खुश कर सकता है, तो इसीलिए जल्दी ही उन दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी तरह से प्यार करना शुरू कर दिया था। और करीब 2 घंटे के बाद जब दोनों एक दूसरे के बराबर में लेटे हुए थे, तब वीर ने दिव्या के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा था, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही वो लड़की आज हमसे बचकर यहाँ से भाग गई है, लेकिन उसे आना तो इसी बेड पर पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे की ऑलरेडी फोटोज ले ली है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो इन गरीब घर की लड़कियों को, अगर मैं उसे उसकी इज्जत का हवाला दूंगा तो वो सब कुछ करेगी जो हम चाहेंगे, और तुम देखना इस बार हम अवनी से कितने रुपए कमाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। जैसे ही वीर ने ये कहा, दिव्या मुस्कुराने लगी थी और एक बार फिर वो वीर के ऊपर आकर वो उसके होठों को चूमने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अवनी की माँ रात भर घर के बाहर अवनी के आने का इंतजार करती रही थी, लेकिन अवनी इस वक्त अपने कमरे में आराम से चैन सुकून की नींद सो रही है। इस बात के बारे में उन्हें दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। वही जैसे ही उसके सौतेले बाप ने अवनी की माँ को इस तरह से अवनी के लिए परेशान होते हुए देखा, तो वो उसके पास आकर खड़ा हो गया था और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला था, क्यों तुम उसे बेशर्म लड़की का इंतजार कर रही हो और अपनी रात खराब कर रही हो, चल मेरे साथ, मुझे अपना शरीर अपने जिस्म का सुख दे, तेरी वो बेशर्म बेटी तो किसी और के को सुख दे रही होगी, लेकिन तुम देखना कल रात से तो वो बेशर्म लड़की मेरे साथ ही सोया करेगी। जैसे ही उसके सौतेले बाप ने उसकी माँ के सामने ऐसी बात की, उसकी माँ की गैरत को काफी ज्यादा ठेस पहुंची थी, और इस बार वो खुद पर कंट्रोल कर नहीं कर पाई और उसने खींच कर अपने पति के मुंह पर एक चांटा मार दिया था और कहने लगी थी, आखिरकार तुम इतना कैसे गिर सकती हो, जब जिस वक्त मैंने तुमसे शादी की थी मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म पर अधिकार होगा, मेरी बेटी के नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी ये बात दिमाग में नहीं आई, आखिरकार तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह से तुम्हारे हाथों बर्बाद होने दूंगी, तुम उसके सौतेले बाप हो लेकिन मैं उसकी सगी माँ हूँ, मैं इस तरह से अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, समझे तुम।
जैसे ही अवनी की माँ ने उसके बाप को यानी अपने पति को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब गुस्से से उसका पति तिलमिला उठा था और उसने उसे अपनी की माँ के बालों को कसकर पकड़ लिया था और कहने लगा था, तेरी यह फालतू की बकवास मैं कल सुनूंगा, अभी चल मेरे साथ, मुझे तेरी जरूरत है। ऐसा कहकर लगभग उसकी माँ को घसीटता हुआ अपने साथ बेडरूम में ले गया था और फिर जी भर कर उसने उसके साथ मनमानी की थी। तब तक अपनी मनमानी करने के बाद वो थक कर सो चुका था, लेकिन उनकी माँ की आंखों में आज कोई भी नींद नहीं थी। वो अपनी जवान बेटी के घर आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई थी, और ऐसी बीच घर के बाहर वाले दरवाजे पर बैठे बैठे ही वह भी सो चुकी थी। वही दूसरी और अगली सुबह जैसे ही अवनी सोकर उठी, अचानक से उसे उसका सर काफी ज्यादा भारी भारी सा महसूस होने लगा था और उसे अपने आसपास की जगह को देखा था और अपना घर, अपना कमरा, अपना वह मामूली सा बेड देखकर अवनी की आंखें हैरत के मारे फैट की फटी रह गई थी। वह सोचने लगी थी कि आखिरकार वह घर कब आई, और तभी अचानक अवनी ने आंखें बंद करके कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, वीर ने उसके साथ क्या किया था, इतना ही नहीं उसके सबसे प्यारी सहेली दिव्या ने उसके साथ क्या किया था, ये सब उसके याद आने लगा था और अचानक से ही उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। और तभी अवनी की नजर कोने में पड़े हुए उस गाउन पर गई थी जो गाउन दिव्या ने उसे जबरदस्ती पहनाया था। अब अवनी अपने कपड़े ऑलरेडी बदल चुकी थी। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने कपड़े कब बदले और वो घर कैसे आए, जबकि उसे अच्छी तरह से याद था कि उसके साथ क्या हुआ था और उसकी तो इतनी हालत थी ही नहीं कि वो अपने कपड़े तक चेंज कर पाती। अवनी अपने सर पर हाथ मार मार कर अपने कमरे में इधर उधर घूम घूम कर याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। तभी अचानक अवनी की नजर अपनी हाथ में बंधी हुई घड़ी पर गई थी और तब अवनी को थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद आने लगा था कि कूड़े के ढेर से उसे ये घड़ी मिली थी, लेकिन कूड़े के ढेर से वो सीधा अपने घर कैसे आ गई थी, अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं अवनी को ये लग रहा था कि शायद वो पागल हो गई है और उसने गलती से किसी की चीज उठा लिया। तो ये सोचते हुए अवनी उस घड़ी को अपने हाथ से खोलने लगी थी, और जैसे ही उसने उस घड़ी को हाथ से खोलने की कोशिश की तो वह नाकाम थी और एक बार फिर उस घड़ी में से आवाज आने लगी थी, मुझे क्यों खोल रही हो। जैसे ही अवनी ने ये सुना, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी और बार बार अपने सर पर हाथ मारकर चेक करने लगी थी कि कहीं वो अभी भी तो नशे में नहीं है, क्यों कि वो इतना तो समझ चुकी थी कि कल रात उसे नशा दिया गया था। दिव्या जो उसके लिए पानी लेकर आई थी, वो केवल पानी ही नहीं था बल्कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ नशा था। वो किस तरह का नशा था, अवनी को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था, तो कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा था कि शायद वो अभी भी नशे में ही है। और अवनी ने उस घड़ी के ऊपर दो तीन हाथ मारकर अच्छी तरह से उसे अपने कान के पास ले जाकर सुनना शुरू किया था। उसमें से केवल टक 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 की ही आवाज आ रही थी। तब अवनी को लगा कि शायद उसका नशा अभी तक पूरी तरह से नहीं उतरा है, तो इसीलिए अवनी ने एक बार फिर उसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर उसे घड़ी में से आवाज सुनाई देने लगी थी, मुझे क्यों खोल रही हो। अब तो अवनी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वह सोचने लगी थी कि आखिरकार उसे हुआ क्या है, ये घड़ी इस तरह बोलती हुई उसे क्यों सुनाई दे रही है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक अवनी को लगा कि जरूर उसके पीछे कोई भूत प्रेत पड़ गया है, इसलिए अवनी डर के मारे अपने बेड पर जा चुकी थी और जो भी गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, जो भी उसे याद आ रहा था वो पढ़ते जा रही थी और अपने आसपास अच्छी तरह से देखकर कहने लगी थी, कौन है या कौन बोल रहा है, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, आखिरकार कौन हो तुम यहाँ पर। अवनी को इस तरह से घबराया हुआ देखकर अचानक से वो घड़ी फिर से बोल उठी थी, देखो मैं कौन हूँ कौन नहीं, बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है और तुम मुझे कभी भी अपने आप से अलग मत करना, जो कुछ कहोगे वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम्हारी हर एक इच्छा मैं पूरी करूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने मन में वो इच्छा सोचनी है। जैसे ही अवनी ने ये सुना, उसे तो हैरानी हो रही थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता था। और तभी उसने उसे कहा था, अच्छा तो जो कुछ तुम कहोगे तुम मुझे लाकर दोगे, क्या तुम वाकई मुझे यहाँ मारने के लिए नहीं आए, क्या तुम कोई भूत प्रेत नहीं हो। तभी उस घड़ी के अंदर से हंसने की आवाज आने लगी थी और वो कहने लगा था, मैंने तुम्हें कहा ना, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मैं तो मिला कर दूंगा,
बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी अवनी मन ही मन में सोचने लगी थी कि उसने एक बार मिस्टर इंडिया और बाकी की कितनी मूवी में देखा था कि यह घड़ी जादुई घड़ी होती है और जो चाहिए वो मिल भी जाता है और इसे पहनकर गायब भी हो जाते हैं। तब अवनी ने सोचा कि क्या वाकई इस घड़ी को पहनकर गायब भी हो सकते हैं, लेकिन अवनी गायब होकर इस तरह का उसका कोई टेस्ट नहीं लेना चाहती थी। तभी उसने कुछ सोचते हुए उसे घड़ी से कहा था, अच्छा तो तुम वाकई कुछ मैं कहूंगी वो पूरा कर सकते हो, तो मुझे कपड़े ला कर दो, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और जैसे कपड़े मैं पहनती हूँ मुझे वैसे ही नए कपड़े चाहिए। जैसे ही अवनी ने ये कहा और अगले ही पल देखते देखते उसके पास कितने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और अब अवनी की आंखें हैंद के मारे फटी के फटी रह गई थी और उसने अपने हाथ से दूसरे हाथ पर चिकोटी काट ली थी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। इस तरह से इतने सारे कपड़े अचानक से पलक झपकते कैसे आ सकते हैं? क्या ये जादुई घड़ी वाकई अवनी की सारे मुसीबत को दूर कर देगी या आगे चलकर यह बढ़ाने वाली है? अवनी की काफी सारी मुश्किलें जानने के लिए बने रहो दोस्तों। CH7 एक अजब तरह की खुशी। अवनी अब काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कभी उन कपड़ों को छूकर देख रही थी तो कभी उस घड़ी को छूकर देख रही थी और इधर उधर घूमने लगी थी, कभी हंस रही थी कभी रो रही थी, उसकी हालत बड़ी ही अजीब सी हो गई थी। तभी अवनी ने एक बार फिर सोचा था कि कहीं यह शायद कोई सपना तो नहीं है और अगर यह घड़ी कहीं खो गई तो क्या यह फिर मेरी कोई इच्छा पूरी कर पाएगी, क्योंकि उसने मूवी में देखा था कि यह घड़ी कोने पर किसी और को मिल जाती है, किसी और की इच्छा पूरी करती है। तभी अवनी ने जल्दी से कहा था, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो और हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस घड़ी में न रहकर सीधा मेरे अंदर ही आ जाओ और मेरे अंदर बस जाओ, समा जाओ या मिल जाओ और इस घड़ी घड़ी को छोड़ दो। जैसे ही अपनी ने ये कहा, अचानक देखते ही देखते अवनी के हाथ से अपने आप ही वो घड़ी छूटकर नीचे गिर गई थी और उसे में से एक अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी निकलकर अवनी के दाएं हाथ में चली गई थी और वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उसे अपने दाएं हाथ में हल्का सा भार महसूस होने लगा था। अवनी ने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ ये सपना है या कुछ और है, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं आया था। तभी उसे उसकी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी थी कि या तो तुम अपने सौतेले पिता को अपना लो वरना पैसे लेकर आओ। तो इसीलिए अवनी ने उस घड़ी को आजमाने के लिए एक और कोशिश की थी और कहने लगी थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर का किराया देना है। जैसे ही अवनी यह कहा, अचानक उसके हाथों में नोटों की मोटी मोटी गड्डी रखी हुई थी। अवनी की आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई थी, इतने सारे पैसे उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। तभी अवनी ने उन कपड़ों को देखा, उन पैसों को देखा, अब उसने यकीन कर लिया था कि वाकई शायद ऊपर वाले को उसे पर तरस आ गया है और इसीलिए उसने उसकी मदद करने के लिए अपना कोई फरिश्ता उसके पास भेज दिया है। अवनी ने जल्दी से खुशी के मारे सारे कपड़ों को अपने गले से लगा लिया था और बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उनमें से वो जल्दी से नहा धोकर एक जोड़ी कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। वही दूसरी और अवनी की माँ जो कि रात भर उसके दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी, जैसे ही उसकी अगले सुबह आंख खुली और अगली सुबह भी अपनी बेटी को आया ना देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब तक उसका बेटा भी उठकर उसके पास आ गया था, उसके सौतेले पिता भी उसी के पास आ गए थे और कहने लगे थे, तो आ गई तेरी बेटी, नहीं आई ना तेरी वो बेशर्म बेटी, मुझे पता था कि जरूर वो अभी तक नहीं आई होगी और किसी न किसी का बिस्तर को गर्म करने गई होगी, लेकिन तूने ही मेरी बात पर यकीन नहीं किया, अब तो यकीन कर लिया ना, और तूने मेरी इतनी सी बात को सुनकर मुझ पर हाथ भी उठा दिया, तू जानती है मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। तभी उसकी माँ का दिल अपने शराबी पति की बात सुनकर कट कर रह गया था और वो कहने लगी थी कि मेरी बेटी ऐसा कोई काम ना करे, इसीलिए मैंने इस उम्र में ना चाहते हुए तुमसे शादी कर ली और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम एक शराबी हो, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का यकीन था कि तुम जैसे तैसे मेरी हमारा घर का खर्चा ये सब कुछ तुम उठाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम मेरी बेटी को आपका प्यार नहीं दे पाए, उल्टा तुम्हारी तो गंदी चीज नजर मेरी बेटी के जिस्म पर थी और आज मेरी बेटी पूरी रात घर नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी को अपना जिस्म बेचना पड़ा। यह मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाएगी,
मैंने तो सोचा था कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो उसका दूसरा बाप कम से कम घर का खर्चा तो उठाएगा और मेरी बेटी को ऐसी कोई हालातों से नहीं गुजरना होगा। और जैसे तैसे उसकी पढ़ाई पूरे होने पर किसी लड़के को देखकर मैं उसकी शादी कर दूंगी। लेकिन मैं हार गई, मैं ऐसा नहीं कर पाई, ऐसा सोचते हुए उसकी माँ जोरों से रोने लगी थी। तब अचानक उस शराबी ने आगे आगे बढ़कर उसने अवनी की माँ के बालों को कसकर पकड़ लिया था और कहने लगा था, अच्छा तो तूने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए मुझसे शादी की थी ताकि तू अपनी बेटी के सर पर एक बाप का साया रख सके और उसे पढ़ा लिखा कर किसी और के साथ भेज सके, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और मैंने तुम जैसी बुढ़िया से दो बच्चों की माँ से शादी पता क्यों की है? ताकि तेरी खूबसूरत जवान बेटी के लिए, और वैसे भी तेरी बेटी अब शुरुआत कर चुकी है तो अब दूसरी रात उसे अपनी मुझे ही देनी होगी। जैसे ही उसके बाप ने इतनी बेशर्मी से कहा, उसका भाई अब बोल पड़ा था क्योंकि वो छोटा था, उसे ज्यादा समझ नहीं थी, वो केवल 12 साल का था। अब जैसे ही उसके सौतेले बाप ने उसकी माँ को मारने के लिए हाथ उठाया तो वो बोला था, खबरदार जो मेरी माँ को तुमने हाथ भी लगाया, छोड़ो मेरी माँ को छोड़। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। और जैसे ही अवनी के कानों में बाहर हल्ले गुल्ले की आवाज आई तो वो हैरान हो गई थी। और जल्दी से जैसे ही वो बाहर गई और उसने देखा कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मार रहा था तो अवनी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। उसने आगे बढ़कर अपने सौतेले बाप को हटा दिया था और अपनी माँ को संभालने लगी थी। वही अवनी की माँ ने जैसे ही अवनी को देखा तो हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, अवनी तू कहाँ थी? मैं तो पूरी रात तेरा बाहर इंतजार कर रही थी, तो तू घर कब आई और अंदर से कैसे आ रही है? और ये नए कपड़े कहाँ से आए? तभी अचानक अवनी ने खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, माँ मैं तो कल रात ही घर आ गई थी, उसी टाइम आ गई थी, 8 बजे ही। मैं तो घर जाकर और कब से सो रही थी अपने कमरे में, क्या आपने मेरे कमरे में आकर मुझे नहीं देखा? जैसे ही अवनी ने ये कहा उसकी माँ हैरान हो गई थी। उसने तो अवनी को घर आते हुए नहीं देखा था, उसे तो यही था कि अवनी अभी तक घर से बाहर नहीं आई है। इसी चक्कर में वो पूरी रात घर से बाहर बैठकर उसका इंतजार करती रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा था, मैं जिस वक्त में घर आई थी शायद आप उसे वक्त घर पर नहीं थी, आप शायद पड़ोस में कहीं गई हुई थी, तो इसीलिए मैं घर आकर सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। तभी अवनी की माँ उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, तो क्या तू कल रात किसी और के साथ नहीं थी? मतलब तूने किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था? जैसे ही अवनी की माँ ने डरते डरते ये कहा, अवनी तुरंत अपनी माँ की बातों का मतलब समझ गई थी और कहने लगी थी, ये आप कैसी बातें कर रही है? माँ मैं भला कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े? जैसे ही अवनी ने ये कहा उसकी माँ ने उसे खुशी से गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, मेरी बच्ची तूने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी, मुझे तो लगा था कि आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ, लेकिन तूने मुझे बचा लिया, मेरे बच्चे तो उन्हें मुझे बचा लिया। ऐसा कहकर वो पूरी तरह से रोने लगी थी। तभी अवनी अपनी माँ को चुप कराने लगी थी और उसने अपनी माँ को उठाकर वही बगड़ में पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया था। तब उसकी माँ अवनी की ओर ध्यान से देखने लगी थी। अवनी आज नए कपड़ों में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। तब उसकी माँ ने उसे कहा था, बेटा तेरे पास नए कपड़े कहाँ से आए? तभी अवनी ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा था, माँ वो मुझे नौकरी मिल गई है, और आपको पता है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी नौकरी मिली है और मुझे कुछ पैसे भी एडवांस मिल गए थे, तो उससे मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। अब तो जानती है मेरे कपड़े काफी ज्यादा खराब हो गए थे और मेरा दुपट्टा भी कॉलेज में फट गया था। जैसे ही अवनी ने ये कहा उसकी माँ मुस्कुरा दी थी और कहने लगी थी, क्या वाकई तुझे नौकरी मिल गई है? तो अवनी ने हाँ मैं अपना सर हिला दिया था और अवनी ने कुछ पैसे अपनी माँ के हाथों में रखते हुए कहा था, माँ ये लीजिए पैसे, इन पैसों से आप पूरे 6 महीने का किराया दे देना। जैसे ही अवनी ने ये कहा उसकी माँ की आंखें हैरत के मारे फटी रह गई थी और कहने लगी थी, लेकिन बेटा इतने सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले और ऐसी तुझे कौन सी नौकरी मिली है? तब अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा था, माँ बस समझ लीजिए कि ऊपर वाले को हम पर रहम आ गया है और अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे ही अवनी ने इतने सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रखे तो उसका शराबी ये देखकर हैरान हो गया था और वहां से चला गया था।
क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था और वैसे भी वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसने ज्यादा ननुका की तो ये दोनों माँ बेटी उसे घर से बाहर निकाल कर फेंक देगी और फिर शराब पीकर हमेशा की तरह जहाँ वो पहले नाली में पड़ा रहता था वो अभी इस तरह से कीचड़ में या कूड़े के ढेर पर पड़ा रहेगा और उसे कोई देखने वाला नहीं रहेगा। वही दूसरी ओर अवनी के माँ ने अवनी को गले से लगा लिया था और जो कल रात उसने उल्टी सीधी बातें अपनी बेटी से कही थी उसकी माफी मांगने लगी थी और कहने लगी थी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे तो लगा था कि वाकई इस घर को चलाने के लिए किसी मर्द की जरूरत है, लेकिन मेरी बच्ची ने साबित कर दिया है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है और कोई भी औरत अपना घर आसानी से चला सकती है। तो अवनी ने खुशी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होने देगी और आप देखिएगा बहुत जल्द अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया था। तभी अवनी का भाई उससे बोला था, दीदी मुझे मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आप मुझे स्कूल छोड़ दीजिए और आपको भी तो कॉलेज जाना होगा। ऐसा कहकर उसका भाई तैयार होकर वहां गया था। तब अवनी ने मुस्कुरा कर अपने भाई की ओर देखा था और कहने लगी थी, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ और मैं भी फिर कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ। ऐसा कहकर अपनी अपने भाई को स्कूल छोड़ते हुए अपने कॉलेज की ओर जाने लगी थी। आज अवनी के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं उसे ये भी पता था कि दिव्या और वीर इस तरह से नहीं मानने वाले हैं, वो जरूर उसे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अब जब से अवनी के शरीर में वो जादुई घड़ी में बोलने वाला इंसान उसके शरीर की दाएं बाजू में आया था तब से उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा ताकत का एहसास होने लगा था। वही वीर और दिव्या इसी तैयारी के साथ आज कॉलेज गए थे कि आज वो अवनी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। क्या अवनी दिव्या वीर से बच पाएगी और क्या अवनी उस आत्मा का राज जान पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों CH 8 धमाकेदार एक्शन। वही वीर और दिव्या इसी तैयारी के साथ आज कॉलेज गए थे कि आज वो अवनी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और उसे पूरी क्लास के सामने नीचे दिखाएंगे। अगर अपनी उनकी बातें तरीके से नहीं मानी तो वो उसी की अश्लील फोटो सबके सामने रिवील कर देंगे। लेकिन अवनी को किसी ने किसी तरह से मजबूर करके रहेंगे। तो ये सोचते हुए वो लोग भी आज अपनी पूरी तैयारी के साथ कॉलेज में पहुंच चुके थे। वही अवनी जैसे ही कॉलेज में गई तो उसने देखा कि कॉलेज में जाते ही सबसे पहले दिव्या हाथ बंधे उसे ही देख रही थी। अवनी ने भी दिव्या को देखा था लेकिन उसने दिव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और सीधा अपनी क्लास में जाने लगी थी। और जैसी वो क्लास में गई अचानक से वीर उसके सामने आ गया था और वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अवनी ने देखा कि वीर के माथे पर पट्टी लगी हुई थी और तब अपनी को याद आ गया था कि उसने वीर के सर पर कांच के जग से जो वार किया था उसी पर की यह पट्टी लगी हुई है। तब अवनी हल्का सा मुस्कुरा दी थी मन ही मन में। तभी वीर ने अवनी से कहा था, तुमने कल रात बहुत बड़ी गलती की है अवनी, तुम्हें इस तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए था और अब तुम्हें उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक मौका देता हूँ, या तो तुम आज रात आराम से राजी खुशी अपने मन से उस जगह पर आ जाना और अपना वो अधूरा काम पूरा करना जिस काम को तुम छोड़ कर गई हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी यह अश्लील फोटो जो भी इस वक्त मेरे पास है वो सारी जगह फैला दूंगा। इतना ही नहीं, कॉलेज के कैंपस में हर जगह में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना फोन अवनी की ओर दिखाते हुए कहा था। जैसे ही अवनी ने ये देखा अचानक से उसके माथे पर पसीना अगर आना शुरू हो गया था, उसे डर लगने लगा था। और तभी अचानक अवनी ने अपने हाथ से अपने दाएं हाथ के बाजू को छुआ था और मन ही मन में कहने लगी थी, इसके फोन में जो कुछ भी है वो तुरंत बदल कर किसी और चीज में तब्दील हो जाए। जैसे ही अवनी ने ये कहा पलक झपकते ही उसका वो काम हो गया था। तब अवनी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि उसका काम अब तक हो गया होगा तब अवनी ने वीर की ओर देखते हुए कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डर जाऊंगी और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और जिन पोस्ट को जिन फोटोज को तुम पूरे कॉलेज कैंपस में लगवाना चाहते हो तो तुम लगवा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा कहकर जैसे ही अवनी वहां से आगे जाने लगी तभी दिव्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, क्या हुआ, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं?
तभी वो वीर की ओर देखते हुए कहने लगी थी, वीर मेरा मुंह क्या देख रही हो, फटाफट से इसके फोटो दिखाओ और इस लड़की को बोलो कि यह आकर मेरे उसे अंकल क्लाइंट को खुश करे, अगर इसने उसे खुश नहीं किया तो वो उसने जो भी इसके बदले हमें पैसे दिए हैं वो सब वो हमसे वापस ले लेगा। जैसे ही दिव्या ने ये कहा अवनी को उससे बहुत ही ज्यादा घिन आने लगी थी और वो कहने लगी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी घटिया किस्म की लड़की निकलेगी। इस वीर के साथ तुम बेड शेयर करती हुई आई और एक और मेरी तरफ दोस्ती का दिखावा करती हो। अरे तुमसे अच्छे तो वो दुश्मन है, कम से कम सामने रहकर तो वार करते हैं, तुम्हारे जैसे मीठी छुरी दोस्त बनकर तो वार नहीं करते। जैसे ही अवनी ने इस तरह से दिव्या से बात की, दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था और वो कहने लगी थी, अपनी हद में रह दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हमारे सामने औकात ही क्या है, जिस घर से तू आती है उसी घर से हमारे यहाँ हमारे घरों में काम करने के लिए नौकरानी आती है, और शायद तो भूल रही है तेरी माँ भी एक नौकरानी है जो लोगों के घरों में जाकर काम करती है। जैसे ही अवनी ने दिव्या की यह बात सुनी उसे भी गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी थी, दिव्या हम लोग कौन है ये कौन नहीं है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे पास इज्जत है और इज्जत ही सब कुछ होती है, तुम्हारी तरह नहीं जो किसी भी भर के बेड पर जाकर अपनी इज्जत नीलाम करती फिरे। जैसे ही अवनी ने ये कहा अब तो दिव्या का गुस्सा जवाब दिया गया था, उसने अपना हाथ जैसे ही दिव्या को मारने के लिए उठाया, दिव्या की दाएं बाजू ने अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया था और अचानक से उसने दिव्या का हाथ पकड़ लिया था और अवनी कुछ कर भी नहीं रही थी और उसके बाजू और उसके राइट राइट हैंड ने अपने आप ही दिव्या का हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया था और दिव्या जोरों से चीखने लगी थी और कहने लगी थी, वीर तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, देखो इस गवार लड़की ने मेरा हाथ मरोड़ दिया है, पकड़ो इसे। ऐसा कहकर जैसे ही वीर आगे आया दिव्या को छुड़ाने के लिए, तब तक अवनी के दाएं हाथ ने दिव्या का हाथ छोड़कर अवनी के दाएं हाथ ने मां अपने आप ही वीर के सीने पर हाथ रख दिया था और वीर वही का वही जम सा गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अवनी के हाथ को हटाकर आगे बढ़ सके और अवनी का मुकाबला कर सके। तभी दिव्या ने वीर से कहा था, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उसे इसके अश्लील फोटो दिखाओ और इसे कहो ये हमारी बात मानेगी, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो उसके बदतमीजी की सजा इसे क्या मिल सकती है, इसे इसके बारे में बताओ इसे। जैसे ही दिव्या ने ये कहा अब अवनी हाथ बांधकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, अच्छा अच्छा चलो मैं भी तो देखूं ऐसी क्या चीज है जिसके बलबूते पर तुम लोग इतना उछल रहे हो। जैसे ही अवनी ने ये कहा वो दोनों हैरत से अवनी की ओर देखने लगे थे क्योंकि अवनी ने आज तक किसी से भी इस तरह से बात नहीं की थी। अवनी को खुद नहीं पता था कि वो इस तरह से क्यों बोल रही है, क्योंकि जब से अवनी के जिस्म में वो बोलने वाली आत्मा आई थी तब से अवनी के हाव भाव बुरी तरह से बदल गए थे। अवनी को इतने आत्मविश्वास के साथ अपने सामने खड़े हुए देखकर वीर ने जल्दी से अपना फोन चेक करना शुरू कर दिया था और जैसे ही दिव्या और वीर ने मिलकर फोन चेक करना शुरू किया तो उन दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था, क्योंकि उस फोन के अंदर अवनी की फोटो की जगह दिव्या और वीर की फोटो थी जो कल रात वो इंटीमेट हुए थे। उनकी वो सारी फोटोस इतना ही नहीं वीडियो तक थी। जैसे ही वीर और दिव्या ने देखा उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि अचानक से यह क्या हुआ था, उनके फोटो वीडियो किसने ले ली थी, जबकि वहां पर तो कोई था ही। इतना ही नहीं जबकि वह तो कितने ही महीनों से उसी जगह जाकर एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हुए आए थे, अब तो उन दोनों के चेहरे से पसीना छूटना शुरू हो गया था। और तब अवनी ने उन दोनों के चेहरे पर पसीना छूटे हुए देखकर कहा था, क्या हुआ है, मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हो, लाओ मुझे भी दिखाओ फोटो, कौन सी फोटोज है मेरी जरा जिनके बलबूते पर तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए हो। जैसे ही अवनी ने साफ साफ ये कहा अचानक से वीर ने अपना फोन छुपा लिया था और दिव्या के चेहरे पर अब बेइज्जती सी नजर आने लगी थी और जल्दी से वो दोनों अवनी के नजरों के सामने से भाग गए थे। जैसे ही अवनी ने ये देखा वो जोरों से हंसने लगी थी और अचानक से ही अवनी ने अपनी बाजू को छू लिया था और कहने लगी थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नहीं जानती तुम कौन हो कौन नहीं, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान कर दी है। वे जल्दी ही अवनी अपना कॉलेज खत्म करके अपने घर जा चुकी थी और जैसे ही वो घर गई उसके लिए एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि उसका घर काफी सारे लोगों से घिरा हुआ खड़ा था।
और उसकी माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर खड़े हुए सब लोगों की बातों को सुन रही थी और जोरों से रो रही थी। इतना ही नहीं, उसका शराबी पति भी उन लोगों के सामने खड़ा होकर उसकी माँ को उल्टी सीधी बातें सुना रहा था। अवनी जैसे ही वहां गई, सभी लोग अवनी को देखकर कहने लगे थे, लो आ गई को देख लो, इसको किस तरह से चलकर आ रही है, और कपड़े तो देखो आज कैसे नया जोड़ा पहना है। सभी लोग अवनी को देखते ही इस तरह की बातें करने लगे थे और उन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। तभी अवनी अपनी माँ के पास गई थी और कहने लगी थी, क्या हुआ है माँ, आप इस तरह से क्यों रो रही है और यह सब क्या हो रहा है यहाँ, ये सब लोग कौन और हमारे घर में क्या कर रहे हैं। तभी उसका वो शराबी बाप जोरों से चिल्लाने लगा था और कहने लगा था, देख लो भाई, ये देख लो, ये लड़की कहाँ आ गई है और देखो किस तरह से शेर बनकर घूम रही है और कैसी बातें कर रही है। तुम सब लोगों को भी बुरा भला कह रही है, क्योंकि तुम किसकी, तुम सब लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो। जैसे ही अवनी के सौतेले बाप ने इस तरह की बातें करना शुरू की, अवनी हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, आखिरकार उसके सौतेले बाप को क्या हुआ है, क्या इसने आज दिन में भी चढ़ा ली है, क्या रात में तो चढ़ा कर आता ही है। CH 9 नया शहर और घर। जैसे ही अवनी के सौतेले बाप ने इस तरह की बातें करना शुरू की, अवनी हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, आखिरकार उसके सौतेले बाप को क्या हुआ है, क्या इसने आज दिन में भी चढ़ा ली है, क्या रात में तो चढ़ा कर आता ही है। तभी और अवनी ने यह बात मन में सोचने की बजाय उसने सीधा उसके मुंह पर ही बोल दी थी कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम दिन में भी आज पीकर आए हो क्या। जैसे ही अवनी ने ये कहा, सभी लोग अवनी और देखकर कहने लगे थे, हे लड़की, अपने फालतू की बकवास बंद कर और एक बात कर, खोल कर सुन ले, अपना सीधा सामान पैक कर और यहां से निकल जा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। जैसे ही उन लोगों ने अवनी से सीधे सीधे ये कहा, अवनी की आंखें हैरत से फैल गई थी कि आखिरकार हुआ क्या है और वो लोग उससे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे थे। और जल्दी ही सब लोग अवनी को धमकी देकर जा चुके थे और उसका शराबी बाप भी अवनी की माँ की ओर देखता हुआ वहां से बाहर निकल गया था। तब अवनी ने अपनी माँ को रोते हुए चुप कराया था और कहने लगी थी, माँ आखिर हुआ क्या है और यह सब लोग कौन थे और ये हमें यहाँ से कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। तभी उसके बाद उसकी माँ ने अवनी से कहा था, बेटी आज जो तू मुझे पैसे देकर गई थी, तो जैसे ही मकान मालिक मैंने उसे 6 महीने का किराया दिया तो वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा था और कहने लगा था कि 1 महीने का किराया देना भी तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा भारी हो जाता है, तो आज अचानक से 6 महीने का किराया कैसे दे रही हो, कहीं तुम धंधे पर तो नहीं बैठ गई है, या तुमने अपनी बेटी को तो धंधे पर नहीं बिठा दिया है। जैसे ही अवनी ने अपनी माँ की बातें सुनी, हैरानी से उसकी आंखें फैल गई थी। और तभी उसकी माँ ने आगे बताया कि कैसे उस मकान मालिक ने सारी बातें सारे पड़ोस और आसपास के लोगों में फैला दी थी कि इन लोगों के पास अब काफी सारा पैसा आ गया है और उनकी बेटी अब धंधे पर बैठ गई है, वो पढ़ने नहीं जाती इसलिए वो अब धंधे पर बैठकर काम करने लगी है। मकान मालिक की बातों में आकर सभी लोगों ने वहां अगर अपनी की माँ को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया था और कह दिया था कि यह शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ पर यह गंदी हरकतें नहीं चलेगी। अवनी काफी ज्यादा हैरान हो रही थी कि लोगों की सोच पर, लेकिन अवनी ने एक पल को फिर यह भी सोचा था कि जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सही भी सोच रहे हैं कि अचानक से जिन लोगों के पास 2 वक्त का खाने के सही से अरेंज नहीं हो पाता था, 1 महीने का किराया वो सही से अरेंज नहीं कर पाते थे, तो फिर अचानक से आज उन्होंने 6 महीने का किराया कैसे दे दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें अब अवनी भी सोचने लगी थी और कहने लगी थी, माँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन अभी 24 घंटे की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में ही यह घर छोड़कर यहाँ से कहीं और दूसरे बड़े शहर में जाकर रहेंगे। जैसे ही अवनी ने ये कहा, उसकी माँ उसे हैरानी से देखने लगी थी और कहने लगी थी, क्या तू पागल हो गई है, तो जानती भी है तो क्या कह रही है क्या, और हम इसे अपने इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, भले ही यह घर हमारा ना हो लेकिन हम कई सालों से यहाँ रहते हुए आए हैं,
ये और बच्चों की तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे भाई की पढ़ाई, सब कुछ यही है। और यही मेरा काम भी लगा हुआ है, लोगों के घरों में काम करने का, और हम अलग अलग शहर में जाकर कैसे अपनी आजीविका, घर खर्च चलाएंगे, कैसे हम रहेंगे सहेंगे। अपनी माँ के बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा था, आपको कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो और हम आज ही यहाँ से कहीं और जाएंगे। जैसे ही अवनी ने एक बार फिर अपनी बात रिपीट की, उसकी माँ की आंखें हैरानी के मारे फैल गई थी और सोचने लगी थी कि शायद उनकी बेटी पागल हो गई है जो इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ ये देखकर चौंक गई कि अवनी ऑलरेडी एक बैग पैक कर करवा वहां आकर खड़ी हो गई, फिर कहने लगी थी, चलो माँ। अब अवनी की माँ शारदा जी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था और वह हैरानी से अवनी की ओर देखते हुए बोली थी, अवनी तू जो कुछ कह रही है क्या वो सही कह रही है? क्या तू वाकई यहाँ से जाना चाहती है? हम यहाँ से आखिर जाएंगे कहाँ? और तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिरकार तुझे ऐसा कौन सा काम मिला जिससे तुझसे पास इतना पैसा आ गया है कि तू अगले किसी शहर में जाकर भी रहने को तैयार थी? तब अवनी ने अपनी माँ से कहा था, बहुत जल्द मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन अभी आपको फिलहाल मेरे साथ चलना होगा। ऐसा कहकर वो अपने भाई और माँ का हाथ थाम कर उस घर में से निकलकर किसी दूसरे शहर की ओर रवाना हो चुकी थी, क्योंकि अब अवनी खुद उस शहर में नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए उसने किसी दूसरे शहर में जाने के बारे में सोच लिया था और मन ही मन में यह इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो कहीं ऐसी जगह जाए जहां उसे रोकने टोकने वाला या किन्हीं लोगों की गंदी नजरें भी उस पर ना हो और उसके पास कोई अच्छा सा घर हो और वह आराम से अपनी माँ और भाई के साथ वहां रहे और वहां हर तरह का ऐशो आराम आराम मौजूद हो। जैसे ही अवनी ने मन ही मन में ये बातें सोची, उसका ये सोचना पूरा हो चुका था क्योंकि जल्दी ही बस एक जगह जाकर जाकर रुक गई थी और अचानक से उसे बस के अंदर 3 से 4 आदमी चढ़े थे और अवनी की ओर देखकर कहने लगे थे, मिस अवनी मेहता आपका ही नाम है ना? अवनी ने हाँ सर हिला दिया था और जल्दी उन्होंने कुछ पेपर्स अवनी के हाथों में थमा दिए थे और कहने लगे थे, यह आपके घर के पेपर्स है, आपका घर ऑलरेडी घर तैयार हो चुका है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां तक छोड़ देते हैं। जैसे ही उन अनजान लोगों ने वहां आकर इस तरह से ये कहा, अवनी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, साथ ही साथ उसकी माँ भाई भी हैरान हो गए थे कि अचानक से ये लोग कौन है और उन्हें अवनी का नाम कैसे पता चला और ऐसा कौन सा घर है जो उन्होंने अरेंज कर दिया है। वेल अवनी को तो उसे वक्त अपने अच्छे सब में मौजूद बाएं हाथ पर भरोसा था, तो इसीलिए अवनी ने ज्यादा ना सोचते हुए उन लोगों के साथ जाने लगी थी। अवनी की माँ उसे रोकना भी चाहती थी, लेकिन जब उन लोगों ने सीधे सीधे अवनी का नाम लिया तो वह भी चौंक गई थी, तो इसलिए वह भी जाकर देखना चाहती थी आखिरकार ये लोग किस घर की बात कर रहे हैं। तभी जल्दी ही अवनी ने देखा कि वो लोग कितनी ही सारी गाड़ियां लेकर आए थे और अवनी समेत उसके पूरे परिवार को उन्होंने गाड़ियों पर बिठा दिया था और जल्दी गाड़ी एक बड़े ही खूबसूरत से बंगले के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उस बंगले को देखकर अवनी की माँ की आंखों में काफी सारे सवाल पैदा हो चुके थे और वो अपनी बेटी की ओर देखकर कहने लगी थी, बेटी आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये लोग कौन थे और इतना बड़ा घर या घर किसका है और ये सब लोग तुम्हें सलाम क्यों कर रहे हैं, आखिरकार हो क्या रहा है? अवनी तो खुद हैरत में थी, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अवनी को अपनी बाजू में थोड़े भारीपन का, शक्ति का एहसास हुआ, समझ गई कि यह सब कुछ किसने किया है। लेकिन अब अवनी सोचने लगी थी कि अगर यह आंखों का जादू है तो यह इंसान इस जादू के वश में कैसे आ गए और कैसे उन्होंने ये घर अचानक से अवनी को दे दिया। अपनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से उसकी माँ के सवाल उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। तभी जैसे ही अब अवनी उस बंगले के अंदर जाने लगी, तब अवनी की माँ बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस तरह से इस घर से नहीं जाने दूंगी, तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर इस घर में जाकर हम हमेशा के लिए कैद हो गए तो किसी ने हमें अगवा कर लिया तो ये तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी कर दी तो? नहीं नहीं बेटा, मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ,
मैं इस तरह से तुम्हें इस घर के अंदर नहीं जाने दूंगी। अभी अपनी और उसकी माँ बातें ही कर रही थी कि तभी अचानक से वो आदमी फिर से उसके सामने आया था और कहने लगा था, अवनी मैडम, ये घर की चाबियां है और हाँ, इस तरफ यह नौकरों का स्टाफ है। इसमें से जो कि जिस भी स्टाफ को आप रखना चाहे रख सकते हैं और जिसकी छुट्टी करना चाह कर सकते हैं। और इस घर के कागज सब कुछ आपके नाम हो चुका है और साथ ही साथ और सारी चीज पैसे जेवर हमने अंदर लॉकर में रखवा दिए हैं। और ये लॉकर की चाबी है, आप चेक कर लीजिए। अब आप इजाजत दीजिए। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया था। आदमी हैरत से कभी उस आदमी को जाते हुए देखते जा रही थी तो कभी अपने हाथ में पकड़े हुए कागजों को देखे जा रही थी। अवनी हैरत से सब कुछ देखे और सोचे जा रही थी। उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अवनी ने मन ही मन में सोचा था, ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। जैसे ही अवनी ने मन ही मन में ये सोचा, अचानक से ही उसकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लगी थी और लास्ट टाइम अवनी को खुद की ही शक्ल दिखाई देने लगी थी, जब अवनी ने सोचा था कि वो यहां से निकलकर कहीं और घर में शिफ्ट होने चाहती है, उसके लिए घर का इंतजाम किया जाए। तो जैसे ही अवनी ने ये सोचा और उसने अपनी आंखें खोली तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ उसके जिस्म में आत्मा, इंसान की आत्मा इस वक्त उसके दाएं हाथ के बाजू में मौजूद है। तब अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, माँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हमारा है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब उसकी माँ का सब्र जवाब दे गया था और कहने लगी थी, यार ये सब कुछ तुम्हारा, लेकिन कैसे कैसे कोई इतने बड़े घर खरीदने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं, और हम तो इतने गरीब लोग हैं कि हम तो किराए का घर भी अफोर्ड नहीं कर पाए, तो फिर हम इतना बड़ा घर इसका किराया कहाँ से देंगे? और ये लोग कहने कि यह घर तुम्हारा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनी अपनी माँ की बातों को सुनकर अभी इरिटेट हो चुकी थी और अवनी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने एक करके जो भी उस रात को घटना हुई थी वो सारी बातें अपनी माँ को बता दी थी। और जैसे ही उसकी माँ ने ये सुना कि उनकी बेटी के पास कोई आत्मा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था और वो कहने लगी थी, नहीं मेरे बच्चे, तू जरूर कुछ ना कुछ झूठ कह रही है, भला ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये भूत प्रेत जादू आत्मा नहीं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तभी अवनी ने अपनी माँ से कहा था, माँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। वाकई मेरे जिस्म में आत्मा का निवास है जो कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रही है, और मेरे यकीन जाने ये घर खरीदने वाली बात भी मैंने ही इस आत्मा को बोला था और इसी आत्मा ने जादू से हमें ये घर खरीद कर दिया था। लेकिन उसकी माँ ने इस बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ब खुद मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं मन ही मन में वो बात बोलूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है वो बात जरूर पूरी होगी। जैसे ही अवनी ने ये कहा, उसकी माँ उसे हैरत से देखने लगी थी, क्या अवनी की माँ उसकी बात सच मान लेगी? क्या उन्हें भी ही जाएगा अवनी की जादू वाली कहानी पर विश्वास? CH10 जादू और मर्डर। अवनी ने अपनी माँ से कहा था, माँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। वाकई मेरे जिस्म में आत्मा का निवास है जो कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रही है, और मेरे यकीन जाने ये घर खरीदने वाली बात भी मैंने ही इस आत्मा को बोला था और इसी आत्मा ने जादू से हमें ये घर खरीद कर दिया था। लेकिन उसकी माँ ने इस बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ब खुद मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं मन ही मन में वो बात बोलूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है वो बात जरूर पूरी होगी। जैसे ही अवनी ने ये कहा, उसकी माँ उसे हैरत से देखने लगी थी और वही उसका वो शराबी बाप जैसे ही शाम को कहा है और घर में उसने किसी को नहीं पाया तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने चारों ओर अपने परिवार के बारे में पूछताछ और खोजबीन की थी लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं लग पाया था। और फिर कुछ सोचते हुए बोली थी, जब मैं मेरी तेरे पिताजी के साथ नई नई शहर में आई थी तब तेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था
और तब मैंने अपनी माँ के कंगन जो कि सोने के थे मुझे वो बेचने पड़ गए थे। अगर वाकई तुझे लगता है कि तेरे पास ऐसा कुछ जादू है, तेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो मेरी वो कंगन मुझे वापस ला कर दे सकती है, तो तू मुझे वो कंगन वापस ला कर दे। जैसे ही अवनी की माँ ने सोच समझ कर इतना कठिन काम अवनी को दिया, अवनी केवल अपनी माँ को घूर कर रह गई थी। वो सोचने लगी थी, भला यह इस बोलने वाली आत्मा को कैसे पता कि माँ ने कंगन की इस सुनार को बेचे हैं, और भला वहां से कंगन कैसे आएंगे। लेकिन खैर, अवनी को भी आजमाना था तो इसीलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करके कहने लगी थी, मुझे मेरी माँ के वो कंगन चाहिए जो मेरी माँ ने मेरे भाई के बीमार होने पर बेचे थे। जैसे ही अवनी ने मन ही मन में ये बोला, अचानक देखते देखते अवनी की माँ के हाथों में कंगन थे। जैसे ही उसके मन यवाह देखा, अचानक से उनकी माँ काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलना शुरू हो गए थे। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, वाकई मेरी तपस्याओं का फल मिल गया है। मैं इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शायद उन्हें हमारी गरीबी पर, हमारी बेचारगी पर तरस आ गया, इसीलिए अपना एक फरिश्ता उन्होंने अपने हमारे पास भेज दिया है। तो तब अवनी और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और वो अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे इस जादू के बलबूते पर। हालांकि उन्हें इस बात के बारे में कोई एहसास नहीं था कि यह जादू उनकी जिंदगी को आगे ले जाकर कितनी बड़ी मुश्किलों से घेरने वाला था। वेल, अब तो जल्दी ही अवनी की माँ और अवनी दोनों खुशी खुशी ही उस बंगले के अंदर चली गई थी और उस बंगले की खूबसूरती देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा बंगला था। इतना ही नहीं, वहां पर ऐशो आराम का हर एक सामान मौजूद था। इतना ही नहीं, अवनी के घर में जो के नाम को पंखा तक नहीं था और वो गर्मियों में बदहाल रहते थे, आज उनके घर में बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगे हुए थे। अवनी तो चारों तरफ घूम गोल का हर एक कमरे को देख रही थी और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी जिंदगी इस तरह से करवट लेगी। अवनी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश की नहीं की थी कि आखिरकार जिस आदमी की आत्मा उसके जिस्म में थी वो था कौन और उसकी मदद इस तरह से क्यों कर रहा था। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही उसने उसके बारे में कुछ ज्यादा तहकीकात करने की कोशिश की थी। जल्दी ही अवनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूरा का पूरा शानदार बंगला दिखने लगी थी। वो उन्हें हर चीज का एहसास करना करना चाहती थी कि उनकी बेटी ने उनकी सारी ख्वाहिशें को पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने अपनी माँ को इस बात का भी एहसास करवा दिया था कि किसी घर को चलाने के लिए किसी मर्द की ही जरूरत नहीं होती। हालांकि अवनी ने कुछ खास ज्यादा मेहनत नहीं की थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे पर एक कर्म कर दिया था। अवनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। कितनी ही देर तक वो महंगे महंगे सामान को छोड़कर देखती रही थी। इतने कीमती सामानों को वो केवल लेने का सपना देखा करती थी। अब कितना सारा कीमती सामान उसके करीब मौजूद था। इतना ही नहीं, अवनी के मन में जो उल्टे सीधे चीजें वो खरीदना चाहती थी, वो खाना चाहती थी, पहनना चाहती थी, हर तरह के कपड़े, हर तरह का खाना, हर तरह का जेवर, जेवरात, सब कुछ उसने उस जादू के द्वारा मंगवा लिया था। अवनी और उसकी माँ, उसका भाई सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। तीनों ऐश से खुशी की जिंदगी गुजारने लगे थे। वेल, अवनी को उस नए घर में आए 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे और इन 3 दिनों में उन्होंने जी भर कर एंजॉय किया था। जो कुछ खाना चाहते थे खाया था, जो कुछ पीना चाहते थे पिया था, वो लोग जो चाहते थे वो किया था। वेल, तभी अचानक एक रात को अवनी बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। अवनी को किसी तरह का कोई होश नहीं है। अचानक से अवनी अपने आप ही अपनी अलमारी खोलने लगी थी। अलमारी खोलकर उसने जल्दी ही एकदम काले रंग के कपड़े पहन लिए थे और उसने एक चाकू अपनी पॉकेट में घोंप लिया था। अवनी के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था, वो बड़ी ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी। बेल, अवनी जल्दी ही अपने उस बंगले से बाहर निकल चुकी थी और सड़कों पर बदहवास सी हालत में चलने लगी थी। उस वक्त रात के 2 बजे बजे हुए थे और सड़कों पर कुछ खास लोग नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ 2-4 ट्रक ही उस रोड से गुजर रहे थे, लेकिन अवनी बदहवास सी हालत में आगे जाए जा रही थी। उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था।
तभी अचानक अवनी अपनी बदहवास सी हालत में एक बड़े से बंगले के अंदर पहुंच चुकी थी। और कमाल की बात तो ये थी, जिस बंगले को हमेशा चारों तरफ से सिक्योरिटी वाले घेर रहा करते थे, आज उस बंगले में कोई भी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और न ही किसी ने अवनी को रोकने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था कि अवनी किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। वे जल्दी ही अवनी उस बंगले के अंदर सो रहे एक बड़े ही पावरफुल आदमी के सामने मौजूद थी। अवनी ने एक नजर उस आदमी को अच्छी तरह से देखा था और फिर अगले ही पल उसने अपने साथ जो वो चाकू लेकर आई थी, उस चाकू से उस आदमी पर धारदार वार कर दिए थे। और जब उसे इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि इस आदमी की जान जा चुकी है, तब अवनी जिस हालत में वहां उस बंगले तक गई थी, उसी हालत में वो वापस अपने घर आ चुकी थी और इस हालत में आकर अपने बेड पर उसी हालात में सो चुकी थी। अवनी ने बदहवास सी हालत में जिस आदमी का मर्डर किया था, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो शहर का एमएलए रंजीत सिंह था। एमएलए रंजीत सिंह की उसी के घर में उसी के बेड पर सोते हुए बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन किसी को इसके बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी हत्या एक बड़ी ही मामूली सी दिखने वाली और बेहद खूबसूरत लड़की अवनी ने की थी। वही अगली सुबह जैसे ही अवनी ने अपनी आंख खोली तो वो अपने आप को काले कपड़ों में देखकर हैरान हो गई थी। और जैसे ही अवनी ने अपने जिस्म पर लगी खून की छींटों को देखा तो उसकी हालात खराब होने लगी थी। इतना ही नहीं, बड़ा सा चाकू उसके बिस्तर में उसके ठीक पास रखा हुआ था। अवनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चाकू कहाँ से आया था और ये खून। अवनी का चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था, उसे बड़ा ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात वो कहाँ गई थी और उसने क्या किया था। उसका सर भारी हो चुका था। वे फिर अपनी रात के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से वो बाथरूम में घुस गई थी और उसने खून लगे कपड़ों को तुरंत ही साफ करना शुरू कर दिया था। और जो बड़ा सा चाकू उसके पास था, उसने उस चाकू को भी डस्टबिन में फेंक दिया था। ये सारा काम अवनी का दाया हाथ अपने आप किए जा रहा था। अवनी को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिल रहा था। और खून साफ करने के बाद अवनी एकदम नॉर्मल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो खून साफ या वो चाकू किसी और ने साफ किए हो। और उस खून को लेकर अवनी की यादें धुंधली सी हो गई थी, लेकिन कहीं कुछ न कुछ उसे याद आ गया था जिसके बारे में वो सोचे जा रही थी। और वो बिल्कुल साफ सुथरा उजले कपड़े पहनकर नीचे आ गई। जैसे ही अवनी नीचे आई, उसके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा कश्मकश चल रही थी। उसे तो कुछ यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस तरह से उसके कपड़े खून से क्यों सने हुए थे। क्या वो वाकई खून था या कुछ और, रिमझिम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेल नीचे आने के बाद जैसे ही अवनी ने अपनी माँ को देखा, उसकी माँ बड़े ही आराम से बैठकर अंगूर के गुच्छे खा रही थी और उसने बड़ी ही महंगी साड़ी पहन रखी थी। वही बराबर में उसका भाई एक महंगा वीडियो गेम खेल रहा था। अवनी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और जल्दी ही वो उस खून वाली बात को भूलकर वो भी अपने परिवार के साथ बैठकर उनसे ढेर सारी बातें करने लगी थी और सोचने लगी थी कि उन्हें अब उन लोगों को अब आगे क्या करना चाहिए, लाइक दैट और क्या जादू से मंगवाना चाहिए। वेल सभी उसके भाई ने अपना वीडियो को गेम बंद करके हाल में रखा एक बड़ी से शानदार एलईडी टीवी को ऑन कर दिया था। और जैसे ही टीवी ऑन किया तो उसे पर सबसे पहले न्यूज में जो खबर दिखाई जा रही थी वो थी कि शहर के सबसे प्रसिद्ध एमएलए साहब की, यानी कि एमएलए रंजीत जी की बड़ी ही बेरहमी से कल रात हत्या कर दी गई है और एमएलए के शरीर पर 26 बार चाकुओं से वार किया गया था। जैसे ही अवनी ने ये खबर सुनी, न जाने क्यों उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। दो दिल 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 क्या होगा जब अवनी को पता चलेगा कि ये खून उसने ही किया है। आखिर कौन थी वो आत्मा जो अवनी का इस्तेमाल करके मर्डर कर रही थी। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।